हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लार्न स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने मोढ़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5 इंच है, लंबाई हमारी 13 इंच है और चौड़ाई हमारी 9 इंच है। 5 इंच पे हमने मोढ़े का निशान लगाकर काटा है। ऊपर से हम 2 इंच गले, 2.25 इंच गले के लिए लेंगे और गले की डीपनेस 9.5 इंच रखेंगे। यहाँ से देखिए बॉक्स बना लेंगे और अब हम गले का शेप देंगे, इसे काट लेंगे और यहाँ पर देखिए कि 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस निशान को पहले मिला लेंगे, इसे हम काट लेंगे। इस पैटर्न को हम कागज पर काटेंगे। इसके लिए हमने पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है और इस पैटर्न को अच्छी तरह से फैला लेंगे। इसके बाद नीचे से हम 1-1 इंच ज़्यादा लेंगे और आगे से सेम निशान रखेंगे और अब हम इसे काट लेंगे और इसके बाद देखिए अब हम यहाँ पर ब्लाउज के कपड़े को अच्छी तरह से फैलाएंगे। उसके ऊपर हम अस्तर के कपड़े को फैलाएंगे, हर जगह पिन अटैच कर लेंगे और अब हम ऊपर से गले की सिलाई लगाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से बीच से कपड़े को काट कर निकाल लेंगे और अब हम हल्का हल्का कट पूरे गले के ऊपर लगा लेंगे। इसके बाद हम इसे पलट लेंगे। अच्छी तरह से पलटने के बाद हम ऊपर से गले की सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। यहाँ पर देखिए अस्तर और कपड़े को मिलाते हुए हम चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इस पैटर्न को तैयार करेंगे। इसके लिए देखिए हमने 2 कलर में पट्टी ले लिया है 1-1 इंच की। इसे दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। पहले हम एक साइड से सिलाई लगा रहे हैं, फिर दोनों दूसरे साइड से सिलाई लगा लेंगे और अब हम इसे पलट लेंगे। अच्छी तरह से पलटने के बाद अब हम इसे इस पैटर्न के बराबर से काट लेंगे। इस तरह से देखिए हम काट लेंगे। तो देखिए ना, बहुत सारे पीस काट लिए हैं और अब हम इसे अपने गले के ऊपर अटैच करेंगे। इस तरह से देखिए हम अपने गले के ऊपर अटैच कर लेंगे और अब हम देखिए इसे मोड़ते हुए दूसरे साइड से सिलाई लगाएंगे। इस पैटर्न को दूसरे साइड से मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है और यहाँ पर देखिए हम कुछ तिरछी पट्टियाँ ले लिए हैं, इसे आपस में जोड़ लेंगे और अब हम इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर तरफ से सिलाई लगाएंगे और फिर इसे हम ऊपर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा लिया है और यहाँ पर देखिए अब हम अपने ब्लाउज के ऊपर पहले अटैच कर लेंगे। पहले अच्छी तरह से पिन लगाकर फिक्स कर लेते हैं, फिर सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा लिए हैं और इसके बाद देखिए हम यहाँ पर कुछ चौकोर कपड़ा लिए हैं, इसे मोड़ते हुए त्रिभुज बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारे पीस बना लिए हैं और अब हम देखिए इसे अपने ब्लाउज के ऊपर अटैच करेंगे। तो
तो देखिए हमने ब्लाउज के ऊपर अटैच कर लिया है। अब हम ऊपर से लैस लगा लेंगे। पहले पाइपिंग की तरफ लैस लगाएंगे, फिर दूसरी साइड गले के ऊपर लैस लगाएंगे। तो देखिए हमने लैस लगा लिया है। यहाँ पर नीचे का प्लेट बना लेते हैं। इसके बाद देखिए हम 1 इंच का पट्टी लेंगे और इसे यहाँ पर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। फिर इसके बाद इसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद देखिए हम कागज को निकाल लेंगे, पीछे से सारे कागज को हटा लेंगे। तो देखिए हमारा ब्लाउज डिजाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिजाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पसंद आने पर लाइक।